तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोनू रूपाली ब्लॉग्स। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग्स में। अभी क्या है गाइस, हम लोगों को थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो हमारे जो ब्लॉग्स हैं वो थोड़े थोड़े लेट आ जाते हैं कभी कभी। वैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे ब्लॉग्स जो है वो रेगुलर कंटिन्यू डलते रहें गाइस, हम आपको हमारी अपडेट्स कंटिन्यू देते रहें। पर क्या है गाइस, कभी कभी हम लोग पास बहुत ज़्यादा कुछ टाइम नहीं रह पाता है, हम लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। और आप लोगों को तो गाइस जैसा कि मालूम है कि मैं जॉब करता हूँ अभी, तो अभी गाइस क्या है, मैं जॉब करता हूँ, बाकी रूपाली घर पे रहती, तो रूपाली अकेले बना नहीं पाती है। और बाकी मैं तो जॉब करता हूँ गाइस, तो मेरे को थोड़ा सा कभी कभी टाइम हो जाता है, कभी कभी लेट, कभी कभी जल्दी आना जाने में। तो इस कारण गाइस हमारे जो वीडियो से गाइस कभी कभी लेट आते हैं। तो आई रिक्वेस्ट के गाइस आप लोग उस चीज़ के लिए बिल्कुल थोड़ा सा हमको सपोर्ट करें गाइस। बाकी हम पूरी कोशिश करेंगे गाइस कि हम आपके लिए बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट हमारे जो ब्लॉग्स हैं एंड हमारे जो वीडियोस हैं गाइस हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करें जल्दी से जल्दी। तो ये अभी मतलब मैं आपको बताता हूँ कि ये अभी जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं, ये मतलब 2 दिन हो गए हैं मेरे को, 2 दिन हो गए, मैंने 2 दिन से दो से वीडियो तीन डाल दिन दो हो से गए तीन दिन हैं। हो गए वीडियो अभी डाला नहीं है। तो आज मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला है, तो आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। क्योंकि गाइस क्या है, कल रात को मैं थोड़ा सा लेट हो गया था मेरी स्टोर से। क्या है, कभी कभी कुछ कस्टमर्स ऐसे आ जाते हैं जिनके चक्कर में क्या है, कभी कभी हम लोग लेट हो जाते हैं आने जाने में, और उनके चक्कर में, कस्टमर्स के चक्कर में। 12:30 बजे आए हैं कल रात में गाइस, तो आज थोड़ा लेट जाएंगे ये, तो हमने सोचा हाँ ब्लॉग थोड़ा शूट कर लेट भी लें। जाऊंगा। और क्या है गाइस, कल रात को मैंने खाना बहुत लेट खाया था, मतलब 1:30 बजे खाना खाया था। तो खाना आप अगर लेट खाएंगे तो गाइस आप लोगों को सबको मालूम है कि अगर टाइम पे खाना खाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और लेट खाना खाओ तो वो बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा बेकार होता है। तो बस वही हाल मेरे साथ हो गया, तो मेरे को दिक्कत हो गई है, पेट दर्द दे रहा बहुत ज़्यादा, फिर से मेरे को लूज मोशन हो गए हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ गाइस। बाकी तो क्या है बार बार, तो इसलिए मैं क्या है, जब तक ठीक नहीं होगा जब तक तो गाइस अब मैं जा नहीं सकता, क्योंकि अब बार बार स्टोर जाऊंगा, अब स्टोर में अगर बार बार वॉशरूम जाऊंगा, फिर आऊंगा, फिर जाऊंगा, कोई मतलब नहीं। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा मेरे को बेटर लगेगा, उसके बाद ही गाइस मैं जाऊंगा। तो अभी आज मॉर्निंग का हो रहा है, मॉर्निंग हो चुकी है, तो गाइस 10 10 बज रहे हैं। बज रहे हैं, तो अभी अभी हम भी उठ गए हैं, थोड़ा बहुत काम हो गया है। तो अभी देखते हैं, हम आपको बताते हैं कंटिन्यू वीडियो में क्या अभी आगे हम लोग और क्या करने वाले हैं। बने रहिए गाइस बाकी हमारे वीडियो में, और बाकी गाइस हम लोग देखते हैं बाकी हमारे चैनल को कि गाइस आप लोगों से हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है। तो गाइस आप लोग बस ऐसा ही हमें सपोर्ट करते रहिए, हम पूरा आपको बेस्ट से बेस्ट और देने की कोशिश करेंगे हम दोनों गाइस बिल्कुल। बाकी बने रहिए सोनू रूपाली ब्लॉग्स वीडियो में गाइस। तो अभी क्या कर रहे हो, अभी तो कुछ नहीं कर रही, कुछ कर लिया कर। फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रही, ये जा रहे हैं पास्ता लेने, ये कह रहे थे नाश्ता में पास्ता बना लो, तो मैंने बोला ठीक है पास्ता बना लेती हूँ, बहुत दिनों से पास्ता भी नहीं खाया है कभी। गाइस सुबह सुबह पास्ता कौन खाता है गाइस बताइए, पास्ता सुबह सुबह खा नहीं नहीं तो बोला नाश्ते में पास्ता चाहिए था, पास्ता ही तो बनाऊं, कितना झूठ नाश्ते बोलते में हो, पास्ता, मैंने बहुत सारी चीजें बोली थी, पास्ता लेकिन बोला गाइस था ये सिर्फ एक ही इन्होंने। चीज, इसको सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती, कभी सिर्फ नूडल्स दिखाई देंगे या तो पास्ता दिखाई देगा, उसके अलावा इसको कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों गाइस, कमेंट करके इससे ये क्वेश्चन जरूर पूछिएगा आप लोग कि क्यों इसको पूछिए, पास्ता इतना अरे पसंद क्यों है, क्यों खाती इतना पास्ता। सुबह सुबह कुछ अच्छा प्रोटीन वाली चीज दिया करो, चने दिया करो, मूंग की दाल दिया करो। गाइस मैंने बहुत सारे चने और मूंग की प्रोटीन हॉर्लिक्स दाल मिला रखी के हुई दे है, दूंगी। हॉर्लिक्स जरूरी नहीं है, ठीक है ना मैडम, ये बात सुन लीजिए आप हमारी अच्छे से कान खोल के। गाइस बहुत सारे चने भी रखे, इससे बोलते हो रात को गला दिया कर, मूंग गला दिया कर, खाली पेट खाया करो, प्रोटीन वाली चीज खाया करो। जब लेकिन भी नहीं, घर पे इनको रहते तो हैं ना तब भी मुझसे लड़ाई करते रहते हैं, इसलिए भगा देती हूँ मैं जल्दी मम्मी अच्छा मतलब को। गाइस देख रहे हो, मतलब ये चाहती कि मैं स्टोर पे रहूं, घर पे ना रहूं बिल्कुल भी। अरे तो ए गाइस देखो कितने लड़ रहे हैं यार नहीं ये, तो मैं लड़ाई कर रहा हूँ। तो पास्ता लेकर आ जाओ ना तो अपन पास्ता खाएंगे। गाइस पास्ता रखा है ना वैसे, नहीं रखा है, अच्छा गाइस खत्म हो पोहा रखा हुआ गया, है, मैं कभी कभी पोहे को भी पास्ता समझ लेता हूँ, बोल देता हूँ कि मेंटल पोहे। है तो मेंटल घसक गई इनकी तो। अभी गाइस अभी जाते हैं, रूपाली का ऑर्डर है कि उसको पास्ता खाने का मन कर रहा है, तो अभी जाते हैं गाइस। और मेरे बाल देखकर गाइस आप लोगों को लग रहा हो काफी बड़े हो गए, हाँ गाइस मैंने बाल नहीं कटवाए, तो मैं सोच रहा हूँ कि रक्षाबंधन आने वाली है, तो रक्षाबंधन पे मैं बाल कटवाऊँ, अभी कटवा लूंगा, थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो ज़्यादा मेरे को फिर वो कुछ लगेगा नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि रक्षाबंधन आ जाए तो 1 तारीख के बाद ही फिर मैं अच्छे से बाल कटवाऊंगा, सब पूरा अरे सेटअप जाओ ना करवाऊंगा। पास्ता लेने, बाल तुम्हारे बाल बड़े हीरो की तरह है, झंडू की तरह तो बाल रखे हैं बड़े आए नहीं तो देखो गाइस ऐसे ऐसे बाल हैं इनके तो अभी गाइस जाते हैं, और जो जो बोला है रूपाली ने वो लेकर आते हैं, क्या क्या लेकर आना है, पास्ता लेकर आ जाओ, पास्ता मसाला लेकर आ जाओ और और कछु भी नहीं।
तो अभी गाइस रूपाली का ऑर्डर है कि पास्ता लेकर आना, पास्ता मसाला लेकर आना है और एक दूध का पैकेट भी लेकर आना है। और क्या लाना है बिट्टू? नहीं दूध का पैकेट नहीं, अब दूध नहीं पीना है। दूध नहीं? क्यों? नहीं नहीं अब बहुत ज्यादा ही लेट हो गया, अब 10 बज गया। सुबह सुबह अच्छा लगता है एक गिलास भर के दूध पियो, बढ़िया उसमें बादाम वगैरह डाल के बढ़िया। अब अच्छा नहीं लगा, पास्ता खाएंगे, भूख सी लग रही है। फिर हम लंच खाना भी बना देंगे, फिर ये 4 बजे तक जाएंगे, तो फिर खाना 12-1 बजे तक बनाएंगे गाइस। तो आप जल्दी चल जाओ, ले आओ। ठीक है मैं लेकर आता हूँ। ठीक है गाइस बने रहिए आप हमारे वीडियो में, बाकी मैं जाता हूँ अब किराने की दुकान पर और कुछ सामान लेकर आ जाता हूँ नाश्ता वगैरह के लिए। देखते हैं फिर वो खाना भी बनाएगी, आता हूँ बिट्टू। तो चलते हैं गाइस, अभी मौसम आपको दिखा दूँ, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो गाइस ये यहाँ पर जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर ये नीचे पेड़ पौधे लगे हुए हैं काफ़ी अच्छे। ये पपीते का पेड़ है और भी बहुत सारे, ये एक आम का पेड़ लगा हुआ है, 3-4 पेड़ लगा के रखे हैं। ये देखिए गाइस ये मेन गेट आया था हमारा। एक ये वाला दे दीजिए अंकल पास्ता, इसके एक और दे दीजिए। कितने का? एक 20 रुपये। एक ने दो लेके दीजिए ये वाले, और एक ये वाला निकाल दीजिए। तो एक पास्ता मसाला अलग से दे देना अंकल। तो ये गाइस अभी आए हम लोग दुकान पर पास्ता मसाला और सामान लेने के लिए, और 4 अंडे दे देना अंकल, 4 अंडे। वैसे अभी सामान ले, बाकी देख सकते हैं आप लोग रूपाली को, कामवाली भाई को चेहरा दिखाओ। कामवाली भाई पूरा लोग देख सकते हैं गाइस, पूरा काम वाली भाइयों का रखा हुआ है इसने। आराम से रखना, टूट जाएंगे अंडे। तो बाकी गाइस अरे यार दूध भी बेटा मना करा था यार। बेटा अभी पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार जाने यार, कितना मना करो, ये क्या है इसके अंदर? लेकर आते बार। अरे पानी उबाल रही है। ठीक है बिट्टू देखो तो रख लो, नहीं तो ठीक है ना, क्या वो पी लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बच्चू। ब्रेड क्यों लेकर आए? और मुझे तो ये समझ नहीं आया बिट्टू, ब्रेड इसलिए लाए वो उसका सैंडविच बनाने के लिए। फिर अंडे की सब्जी कौन खा रहा भाई? तुमने ही तो बोला था अंडे की सब्जी खानी है, अभी ये सब्जी बनाना नाश्ते में, वो तो ठीक बनाना है, है। ब्रेड दूध के साथ खा लेना बस। यू हैप्पी? अब मैं हैप्पी नहीं हूँ, ठीक है ना? इतना सारा खाना है फिर भी आप दूध लेकर आए हो, सच में मैं कोई इसलिए छोड़ा, जितना बोलते उतना क्यों नहीं सुनते लाइफ में यार अपने। ओके सॉरी, लाओ तो मैं रिटर्न करके आ जाता हूँ, एक्सचेंज करके आ जाता हूँ बस, अंडे वंडे सब एक्सचेंज करके आ जाता हूँ। लाओ तो दूध भी एक्सचेंज करके आ जाता हूँ। हाँ बिट्टू यार बोल रहा हूँ। हाँ बिट्टू यार जान दे, दूध कौन पिएगा? मैं पी लूंगा बस, बात खत्म, मैं अपने लिए लाया हूँ, ला दे, कच्चा पी लूंगा मैं तो। कच्चा पी लेगा तू? हाँ चल दूध में ब्रेड खा लेना। मसाला है तो हमको अलग से क्यों लाना है? अरे तो तूने तो बोला था अलग से लाने को, मैंने बोला क्या? तू ही तो बोल रही थी कि अलग से भी लेकर आना। अलग गुस्सा क्यों कर रहा है तू यहाँ पर? अलग से मैंने बोला था एक जरा सा ले आना, और अगर उसमें देखो ना पास्ता मसाला ना हो तो मुझे क्या पता था तुम्हें दिखना चाहिए ना कि भाई तो पास्ता मसाला ऑलमोस्ट है, तो जान नहीं ले जाना चाहिए हमें। अरे तो मुझे क्या मालूम यार, मेरे को लगा तेरे को पता होगा कि उसके अंदर है, तो इसलिए तूने इसलिए फिर भी बोला अलग से। शट अप गाइस, बोल रही मुन्ना मत खसकाओ मेरा, और मुझे बोल रही शट अप। ठीक है सॉरी सॉरी, तो दे नहीं सकती ओके, आप सॉरी 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 सॉरी। अच्छा तो काम करा, ठीक है एक काम करो उसको रख लो, नेक्स्ट टाइम बच जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम के लिए काम आ जाएगा अपने पास। देखो नेक्स्ट टाइम के लिए हो जाएगा नहीं उसमें बेबी, ये तीनों डालो ठीक है। हाँ दोनों डिजाइन डाल दिए ना, दो डिजाइन के पास्ते लाया हूँ मैं। तो गाइस अभी बाकी तो सारा सामान ले आया हूँ मैं, तो देखते हैं अभी ऐसा स्टॉक में रखते नहीं है क्योंकि गाइस हम लोग बहुत कम खाते हैं, बहुत कभी कभार ही खाते हैं, इतना ज़्यादा खाते नहीं है, तो एकदम रखते भी नहीं है भर के मतलब खराब हो जाए इस चक्कर में हम लोग। कभी बरसात का भी मौसम बहुत चल रहा है तो गाइस सफ़ेद सफ़ेद हो जाते हैं, मतलब सीढ़े आते हैं ना गाइस, तो उस टाइप से हो जाते हैं, तो वो अच्छे भी नहीं लगते फिर उसके बाद ज़्यादा रख लो तो इसलिए हमको जब खाने का मन करता है हम दोनों का, तो हम लोग उस हिसाब से लेकर आ जाते हैं, और फिर उसी हिसाब से हम लोग खा भी लेते हैं फिर थोड़ा ज़्यादा। नहीं रहा पता नहीं कैसा लगा, तुम बताऊं पोलियो की बूंद कम मिली है तुम्हें? हाँ ताकत ही नहीं है तुम में बिल्कुल भी। हाँ।
इसमें क्या रखा है? अरे पास्ता वगैरह तो गिरेगा नहीं। देखो भाई कैसा रखा है, अरे नहीं गिरेगा गाइस, ये देखिए कैसा रखा हुआ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कैसा रखा हुआ, ये देखिए जरा सा कुछ हुआ तो वो फटाक से पूरा नीचे गिरेगा बिट्टू, आई एम श्योर नहीं गिरेगा, आप क्यों मेरी बात नहीं समझ रहे। ओके, तो इस चक्कर में गाइस हम लोग जब मन करता है खाने का तो जब हम लोग लेकर आ जाते हैं और खा लेते हैं। इस रूपाली पास्ते सब कर लिए, बाकी इसने रूपाली ने मुझे भी मेरे लिए भी दे दिया है, देख सकते हैं दूध और ब्रेड। ए रूपाली, अबे दूध और ब्रेड और कुछ नहीं दिया, दूध और ब्रेड दे दिया गाइस, तो अभी मैं खा लेता हूँ जल्दी से। फाइनली पास्ता बन चुका है, नाश्ता भी बन चुका है, तो अभी मैं भी जाता हूँ हाथ मुंह धो लेता हूँ थोड़ा बहुत, हाथ मुंह तो खैर धो लिया था एक बार, वो जाता हूँ थोड़ा सा फ्रेश होकर आ जाऊँ, क्योंकि जैसा कि गाइस मैंने आपको सुबह बताया था फिर से मेरा पेट दर्द देने लगा है, तो अभी जाता हूँ मैं और वापस आता हूँ जब तक रूपाली का पास्ता एकदम अच्छे से बन जाएगा, एकदम कंफर्म बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन चुका है, तो बने रहिए गाइस बाकी हमारे वीडियो में आप लास्ट तक। रूपाली ने अभी नाश्ता ही बना लिया है, पास्ता नाश्ता बना लिया है, तो अभी करते हैं। गाइस मेरी बहुत ज्यादा हालत डाउन हो रही है, पेट मेरा बहुत तेज दुख रहा है, पेट खराब हो गया है गाइस, कुछ इलाज बताए घरेलू नुस्खा, मैंने गोली भी खा ली है गाइस वैसे तो, पर लेकिन फिर भी आराम नहीं लग रहा है, पता नहीं ऐसा लग रहा है ये पास्ता खाने से आराम लग जाए ने गाढ़ा होता है ना इसीलिए। सीरियसली गाइस बाकी तबीयत तो खराब होती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि सुबह तक तो ठीक था थोड़ा बहुत, पर लेकिन अभी थोड़ी और ज्यादा खराब हो रही है, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी देर में पेट दुखने लगा है मेरा। खा लेते हैं गाइस, खा लें दीजिए, अभी मैंने थोड़ा बहुत खाया था सुबह तो वो तो सब कुछ नहीं हुआ उसका खाने का, फिर पेट दुखा, फिर वापस मेरे को वॉशरूम जाना पड़ा, जितना खाया सब निकल गया, कोई मतलब नहीं हुआ। अभी देखता हूँ अब पास्ता खाता हूँ, पास्ता खाने के बाद कितना देर तक चलता कितना देर तक नहीं चलता, और अभी तो गाइस मेरे को स्टोर भी जाना है। अरे रुक जा यार भाई, बात पहले एक्सप्लेन करने दे भाई, सिचुएशन प्रॉब्लम मेरी तो पास्ते के पीछे पड़ी है अपने, पेट खा लिए ना, तो अभी स्टोर भी जाना गाइस मेरे को, दो हजार टाइम भी होगा स्टोर भी जाना है, तो देखता हूँ अभी स्टोर कैसे जा पाऊंगा मैं, तो बताऊ डिशुम, एक डिशुम में ना वहां गिरेगी और डिशुम डिशुम करती हुई जाएगी सीढ़ियों से लुढ़कती लुढ़कती, तो गाइस अभी देखते हैं खाते हैं पास्ता जितना खिलाता है मेरे से, तो काम करना है मुझे बहुत सारा, काम भी, काम वाली भाई को भी काम करना भी बहुत सारा, कुछ काम ज्यादा इसने किया नहीं है। ओके बेबी आप काम कर लेना, ओते ओके, तो गाइस खा लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी बाकी पास्ता, खिला दो मेरे टू क्या उठाना काहे, चलो चल इतने मत उठा बड़ा जिंदे, तो आज खा लेते हैं। तो हे गाइस अभी बाकी 1:30 बज रहा है, 1:30 बज चुके हैं, तो अभी देख सकते हैं धूप भी बहुत ज़्यादा निकली हुई है बाहर, भयंकर वाली, देख सकते हैं गाइस आप लोग बहुत ज़्यादा धूप निकल रही है, अब दोपहर का टाइम है गाइस, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था गाइस के पेट भी मेरा बहुत दुख रहा है, तो गाइस मेरा पेट इतनी तेज़ दुख रहा है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, थोड़ा वो चलने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि गाइस वीडियो भी बनाना ज़रूरी है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने गोली वगैरह खाई है, क्या दे रहे हो बोलो, पेट के लिए इंफेक्शन दे रही है, घूमो फिरो पेट को बचाओ, तो अभी गाइस वो बोल रही है कि मैं अंडे उबाल देती हूँ तो अंडे खाता हूँ गाइस, मैं अभी अंडे खाऊंगा तो फिर, तो उबाल रही हूँ ना आप, अंडे तो उबाल रही हूँ ना, फिर मैं झूठ कहाँ से बोल रहा हूँ, तो अभी गाइस वो अंडे उबाल रही है, तो अभी फिर मैं अंडे खाऊंगा बोल रही थी, अंडे खा लो एक बार, अंडे खाने से भी थोड़ा सा आराम लगता है, फिर अभी हाँ पागल हो गया ये सब कुछ नहीं लगता क्या खाने से, नहीं लगता कुछ भी, अंडे खाने दस्त रखते हम, दस्त वो और ज्यादा लगते हैं, हाँ गर्म चीज होती है अंडे, अच्छा पता नहीं था, पर अभी तो यार मौसम ठंड का ही चल रहा है, नहीं जाने से मत बोलो यार, ठीक है ना कट करो जैसे, गाइस देख रहे हो मतलब अपने झूठ का झूठ पकड़ा गया, तो गाइस बोल रही कट करो कट करो कट करो, नहीं गाइस सच्चाई तो सामने आके रहेगी, ठीक है गाइस जो भी है हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, बाकी उबल तो रहे हैं खाना तो है, मन भी कर रहा है, और अभी 1:30 बज रहा है, 1:30-2 बजने वाला गाइस, और अभी मेरे को भी थोड़ा सा आराम करने का मन कर रहा है बहुत, तो गाइस मैं भी थोड़ा सा आराम करूंगा अभी, फिर उसके बाद देखता हूँ कब उठता हूँ, और फिर अभी गाइस थोड़ा सा देखना है, डॉक्टर के पास जाऊँगा दवाई लेने के लिए, एक तो लेकर आ गया गाइस मैं मेडिकल से, तो वो तो खाली, तो उससे तो कुछ खास आराम लगा नहीं, क्या हो गया बिट्टू,
ऊपर ही ऊपर गाइस, बाकी देख सकते हो रूपाली ऊपर ही ऊपर झाड़ू मार रही है, ऊपर ही ऊपर झाड़ू मार रही है। अरे मतलब जैसे पूरा उठा के नहीं मार रही हूँ गाइस, बाकी अभी देख सकते गाइस रूपाली भी सामान वामान सब रेडी कर रही है। अंडे नहीं उबाल के खिला रही, सब्जी बना रही हूँ मैं। बड़े आए अंडे खाने, इनको डंडे खाने, डंडे अंडे खाएंगे। सो गाइस कितने उत्सुक है कि अंडे उबल रहा खाऊंगा मैं, अंडे की सब्जी बन रही है यार उसमें खा लेना आप। अंडे की सब्जी बन रही है गाइस, ये देखिए रूपाली सामान सब काट रही है, फिर अभी अंडे की सब्जी बनेगी, फिर हम लोग अंडे की सब्जी खाएंगे गाइस। तो अभी गाइस अब बाकी की मैं भी जाता हूँ नहाना है, बाकी जब तक रूपाली खाना बना रही है, रूपाली खाना बना रही है, बाकी मैं भी अब नहा के आ जाता हूँ, क्योंकि अब मेरे को भी थोड़ी गर्मी सी लगने लगी है बहुत ज़्यादा, और हालत भी आप लोग देख सकते हैं कैसी हो रही है मेरी। तो अभी मैं भी नहा लेता हूँ जल्दी से। तो गाइस बाकी अभी नहा लिए हैं, नहा के आ चुके हैं, एकदम फ्रेश फ्रेश माइंड लग रहा है, बहुत काफ़ी दिनों के बाद नहाया गाइस, तो एकदम अब एकदम ताज़ा ताज़ा माइंड बिल्कुल एकदम फ्रेश हो गया है। काफी दिन आह, बाद पर आप लेकिन पेट का तो जान, पेट बहुत तेज दुख रहा है यार, पर मालूम है पेट का क्या पूरी करूँ। ले आएंगे। बाकी अभी मैं रूपाली बना रही है रोटी, आह फिर अभी देखते हैं गाइस, जाता हूँ फिर से एक बार और डॉक्टर के पास, डॉक्टर का दुकान जाना पड़ेगा, और डॉक्टर के पास जाऊँगा तो गाइस वो बोतल मोटल चढ़ा देते हैं यार, बोतल मोटल चढ़ा के लेटा देते हैं, 1-1.5-2 घंटा खा लेंगे मेरे तो गाइस पता ही नहीं, स्टोर जाने में पता नहीं क्या होगा, जा ही पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। अरे भाई बन गया बिट्टू खाना, वाओ नाइस रेसिपी। तो गाइस रूपाली ने मेरे लिए बनाई है नाइस रेसिपी अंडा का, ये कौन सी क्या बना दिया यार, ये क्या बना दिया, ये अंडा करी बना दी यार, वाह। बाकी अभी देखते हैं, अब थोड़ा सा सही लग रहा है तो अभी अब मैं निकलूंगा स्टोर, बाकी अब रूपाली रहेगी अकेली घर पे, अब मेरे को तो जाना पड़ेगा, तो अब मैं जाता हूँ, फिलहाल थोड़ा सा ठीक लग रहा है मेरे को, तो अब मैं जाऊँगा अब स्टोर। तो बाकी जो हमारा जो वीडियो गाइस वो तो अभी फिलहाल हमको यहीं पर एंड करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं चला जाऊँगा, अब रूपाली अकेली रहेगी, तो आज का वीडियो तो फिलहाल में हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं गाइस। और बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे तो गाइस लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो गाइस सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। ओके गाइस, जय हिंद जय सिया राम।